करनाल के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज 2 घंटे की स्ट्राइक की गई, जिसमें कर्मचारियों द्वारा अपना कामकाज बंद करके कार्यालय के बाहर आकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई और अपनी मांगे पूरी करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया। कर्मचारी नेता दीपक कुमार ने बताया कि जब तक सरकार उनको प्रमोशन नहीं देती और उनकी बाकी की मांगे पूरी नहीं करती, तब तक उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कार्यालय को वातानुकूलित किया जाए, इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों को तुरंत पदोन्नति दी जाए। मुख्यालय की ओर से कर्मचारियों का डाटा ऑनलाइन करवाने की भी मांग की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगे नहीं पूरी करती तो आगामी दिनों में मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकाल धरने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जी, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ये जो हमारी प्रमोशन है रुकी हुई है असिस्टेंट से इंस्पेक्टर की, तो जो हमारा ETC है उसका अड़ियल रवैया ऐसा हो रहा है कि फाइल निकाल नहीं रहे हैं जी। तो पहले ही हमने 2 तारीख को काले बिल्ले लगा के रोष प्रदर्शन किया था और आज हमने जो है 2 घंटे की गेट मीटिंग थी उसमें रोष प्रदर्शन किया है जी। और 8 तारीख को अगर अब भी नहीं मानी तो 8 तारीख को हमारी हेड ऑफिस में हड़ताल है, भूख हड़ताल शुरू करेंगे वहाँ पे। क्या मांग है? मांगे मेन ये है जी, एक तो प्रमोशन की है जो हमारी असिस्टेंट से इंस्पेक्टर की प्रमोशन नहीं हो रही है, एक ये है कि जो पुराना रिकॉर्ड है उसको डिस्ट्रॉय कराया जाए और एक वातानुकूलित किया जाए, जितने भी है ना जी हमारे यहाँ से काम करने के लिए जो सा जितने भी ऑफिसेज हैं उनको वातानुकूलित किया जाए और जिनकी भी ट्रांसफर होती है, जिस भी एम्प्लॉय की हरियाणा में ट्रांसफर होती है तो उनका HRMS में डाटा जो है देना होता है जी, वो हेड ऑफिस से देना होता है, तो उनको ये है कि साथ के साथ HRMS में हमारा डाटा जो है ट्रांसफर करा जाए। तो आज कितने घंटे की स्ट्राइक की थी आपने? आज सुबह हमारे 2 घंटे की स्ट्राइक थी जी। पूरे हरियाणा में है ये? पूरे हरियाणा में है जी। क्या नाम अपना? मैं दीपक हूँ, प्रधान, जिला प्रधान जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।